सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे पीर के बारे में बताएंगे जिनकी जे शान है, जे रुतबा है कि अगर वह ना चाहे तो कोई भी इंसान उनका नाम नहीं ले सकता, उनको याद नहीं कर सकता। उनकी मर्जी हो, उनकी रजा हो, तभी लोग उनका नाम ले सकते हैं। और जिन पर उनकी रहमत हो जाती है फिर उनको उनके घर में कभी कोई कमी नहीं रहती है। सो आओ आज की वीडियो में हम उस पीर के बारे में जानते हैं जिनका रुतबा, जिनका करम आला है। सो हाथ जोड़कर बेनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में अनेकों ही पीर हुए हैं जिनका रुतबा आला है, आलीशान है और अल्लाह ताला का आला कर्मों फजल है उन पर। ऐसा कर्म है सभी पीर का, सभी पीरों के पीर जिनका रुतबा सबसे आला है और जिनका कदम हर वली औलिया के कंधे पर है और जिनकी मर्जी के बिना कोई उनका नाम नहीं ले सकता, वह सच्ची सरकार है। पीराने पीर शेख अब्दुल कादर शाह जिलान मीरा गौस पाक, कुल वलियों के सरदार, सभी पीरों के पीर जिनको अल्लाह के पाक नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि ऐ गौस, तेरा कदम कुल वलियों के कंधे पर, मेरा कदम तेरे कंधे पर। जिनके कंधे पर अल्लाह के पाक महबूब कुल नबियों के सरदार का कदम हो, उस पीर का रुतबा कितना आला होगा, कितनी ऊंची शान होगी, जय अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। गौस पाक सरकार को इतना ऊंचा रुतबा हासिल है, अल्लाह ताला की इतनी रहमत है कि वह अगर चाहे तो कोई इंसान उनका नाम ले, क्योंकि खुद गौस पाक सरकार की किताब जिसमें खुद गौस पाक सरकार ने फरमाया है कि अगर मैं ना चाहूँ तो कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता। ऐसी शान है, ऐसा रुतबा है जनाब गौस पाक जी का। गौस पाक सरकार का रुतबा क्या है, इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने फरिश्तों से थप्पड़ मारकर रूहें छुड़वाई हैं, 100-100 साल के पुराने मुर्दों को जिंदा किया है, अनेकों ही माओं के पुत्रों को जिंदा किया है और बिछड़ों को मिलाया है और ऐसी बंदगी की है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला का आला करम आला फजल उन पर है और जिन पर अल्लाह के पाक नबी कुल नबियों के सरदार की रहमत हो उनका रुतबा तो फिर आला ही होगा। गौस पाक सरकार ने कभी किसी को निराश नहीं किया है। जिसने भी जनाब गौस पाक जी को दिल से, ईमान से, पूरे सब्र से माना है, उनको याद किया है, तो गौस पाक सरकार ने उसकी झोली हमेशा ही भरी है, उसको कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी है। ऐसा रुतबा है जनाब गौस पाक जी का। बहुत कर्म किए हैं जनाब गौस पाक जी ने अपने मानने वालों पर। सभी पीरों के पीर है जनाब गौस पाक जी, कुल वलियों के सरदार है जनाब गौस पाक जी, जिनका असल मुकाम असल मज़ारे पाक बगदाद शरीफ में आज भी मौजूद है, जहां पर करोड़ों अरबों ही लोग जाते हैं और फैज़ पाते हैं। इनके तो दर के कुत्ते भी वली होते हैं, कुत्ते भी शेर होते हैं जो शेरों को मारते हैं, तो इनको मारने वाला, इनकी इबादत करने वाला शेर कैसे नहीं हो सकता है, कैसे नहीं जन्नत में जाएगा, कैसे नहीं अपने दुखों को दूर करेगा। जनाब गौस पाक जी की किताब सीरते गौसे आजम, उसको पढ़कर देखना, आपको इनके रुतबे के बारे में पता चलेगा, इनकी शान के बारे में पता चलेगा। सो ऐसी शान है जनाब गौस पाक जी की, जिस पर रहमत करते हैं उसको तार देते हैं, कभी कोई कमी नहीं आने देते हैं और हमेशा ही आप उस पर निगाह रखते हैं और अपना कर्म करते हैं, अपना फजल कमाते हैं और अपनी निस्बत से उसको तार देते हैं। सो यही है पिराने पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी, जिनकी मर्जी के बिना उनका कोई नाम भी नहीं ले सकता और जिस पर इनकी रहमत हो तो वह वली हो जाता है और वह सभी मुश्किलों से पार हो जाता है। सो जब भी आप जनाब गौस पाक जी को माने, पूरे दिल से, इश्क से, शारदा से, सबर से माने, तो इंशाल्लाह जनाब गौस पाक आपकी हर आस मुराद को जरूर पूरा करेंगे। सो पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।